हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बिल्कुल हेल्थी और वेल्थी होंगे। तो बेटा, जैसे हम क्लासेस अपने जो है ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर रहे हैं स्कूलों के लिए, तो उसमें हमारा जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर लगा देना, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके 12th क्लास से रिलेटेड डालें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उसको साथ साथ में स्टडी कर सके। हम ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में करेंगे, जिसमें आपको बेसिक एक पढ़ाने की कोशिश करेंगे और वन टू वन हमारा कम्युनिकेशन भी होगा और हम आपस के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस भी करेंगे, तो वो भी चलता रहेगा। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि कुछ बच्चे जो है वो एसेस नहीं कर पाते नेट की प्रॉब्लम्स के कारण, तो ऑनलाइन क्लास वो अटेंड नहीं कर पाते, तो वो वीडियो क्लासेस से जो है एटलीस्ट अपनी स्टडी रेगुलर करते रहे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा बहुत भी अगर आप इसमें अपनी मेहनत करोगे तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और आप इसमें 5 में से 5 5 मार्क्स जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली बात, जैसे हमारा सॉलिड है तो सबसे पहले तो सॉलिड क्या है ये हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है, और सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, यानी बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। और सॉलिड के अंदर जो हमारे कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, और उनकी एक फिक्स पोजिशन होती है, वो अपनी जगह पे ही ऑस्किलेट करते हैं, बाकी इधर उधर वो ऑस्किलेट जो है नहीं करते, और हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये चीजें जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको मुझे वापिस से ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप बेसिक बेसिक चीजें याद रखें कि इनका डेफिनेट मास होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इनमें बहुत कम होता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम ऑलरेडी 9th 10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें इसके ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें इससे थोड़ा सा आगे या इसके जो आगे की चीजें हैं वो हमने पढ़नी है। अब आते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स कितने प्रकार के हैं, तो उनका एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है, उनके बीच में बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की है, उसके हिसाब से हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, वन इज क्रिस्टलाइन एंड अनदर इज अमॉर्फस। तो हमारे सबसे पहली बात तो सॉलिड 2 टाइप के हैं, एक क्रिस्टलाइन है और एक अमॉर्फस है। अब क्रिस्टलाइन क्या है, अमॉर्फस क्या है, वो चीजें हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन जो है हमने 2 तरह से इनको क्लासिफाई किया है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के अंदर, और ये किस बेस पे किया है, अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कि उनके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो किस तरह से अरेंज है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर हम बहुत सारे स्मॉल एटम्स होते हैं, अगर उन स्मॉल एटम्स के अंदर एक रेगुलर एट पैटर्न है, अगर वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो उनको हम क्रिस्टलाइन कह देते हैं, अगर उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो हम उनको अमोर्फस कह देते हैं। तो अगर एटम्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रेगुलर है देन इट मीन्स इट इज क्रिस्टलाइन, और अगर इररेगुलर अरेंजमेंट है दैट मीन्स इट इज अमोर्फस। ठीक है, अभी इनके और हम आगे पढ़ेंगे इनको। अमॉर्फस सॉलिड क्या है, अमॉर्फस जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज अमॉर्फी, जिसका मतलब है शेपलेस। शेपलेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एटम का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, तो इस कारण से इनका जो शेप है वो थोड़ा सा इररेगुलर टाइप का होता है, यानी एक पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता। जैसे आपने कोई एक बॉक्स देखा होगा तो बॉक्स जो होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है कि वो स्क्वायर शेप में है या वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो वो उसी तरह से इनका जो है वो रेगुलर शेप नहीं होता है,
जैसे एक आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा गांव में बच्चे कॉर्क की बॉल से खेलते हैं, तो कॉर्क की बॉल अगर टूट जाती है तो उसका सरफेस जो है वो खुरदुरा सा एक हमें दिखाई देता है। तो बॉल जो है वो किससे बनी हुई है? रबड़ से। और रबर क्या है? एक आपका अमोरफस सॉलिड है। तो इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, हैफजर्ड अरेंजमेंट है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, और इनको हम जो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा है? क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है या लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो जैसे कि लिक्विड होता है उसको अगर हम कूल कर दें, क्योंकि इनको हम अमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं सूडो सॉलिड, सूडो मतलब नकली सॉलिड, ये असली सॉलिड नहीं है। तो वो हमने इसीलिए कहा है क्योंकि इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है एटम्स का। तो ये क्वेश्चंस भी आपका आएगा कि व्हाई ग्लास इज कॉल्ड ए सूडो सॉलिड या व्हाई इट इज कॉल्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास जो है वो भी एक अमॉर्फस सॉलिड है, तो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अमॉर्फस सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है और उसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आएगी वो है आपकी आइसोट्रॉपिक। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। सबसे पहले आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? देखो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो बना हुआ है आइसो, ठीक है। तो ये आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम अरेंजमेंट, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक, सेम अरेंजमेंट है या सेम हम उसको कहते हैं कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। जैसे आपकी कॉर्क की बॉल है, रबड़ की बॉल है, तो अगर आप उसके पीसेस भी काटोगे तो वो आपको मेनली रबर ही मिलेगा। तो अगर मान लो आप उसके अंदर से लाइट पास करते हो तो उसकी जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वगैरह है उसकी स्पीड सेम ही रहेगी। तो इसीलिए हम उसको आइसोट्रॉपी कहते हैं। आइसो का मतलब सेम और ट्रॉफिक मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी। इसीलिए ये चीज आपने बहुत याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। इनका इररेगुलर अरेंजमेंट है लेकिन फिर भी क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स आपके वही हैं तो उनके अंदर अगर आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करोगे तो वो सेम आएंगे। फिर जो है नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। सिंपलस का रबड़ है, रबड़ का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। इसी तरह से आपकी प्लास्टिक है, उसका भी कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं हम, उनके अंदर एक्सरे डिफ्रेक्शन बैंड्स जो है वो पास आउट नहीं होते। और इसके मेन एग्जाम्पल हमारे हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक। इसके अलावा जो भी आपके पॉलीमर्स हैं, पॉली जिसके आगे लग गया, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो जितने भी आपके पॉलीमर्स हैं दे आर ऑल्सो अमॉर्फस सॉलिड। जिसके आगे भी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, आपका पीवीसी जो जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, आपका पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन जिसको कॉमन नेम है, तो जो भी आपके पॉलीमर्स आएंगे वो सारे पॉलीमर जो है आपके अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आएंगे। और अमॉर्फस का मतलब है अमॉर्फी, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और दैट मीन्स शेपलेस, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। अब अगर हम एक जैसे ग्लास की बात कर रहे थे तो ग्लास को अगर हम देखें तो ग्लास दो फॉर्म में पाया जा सकता है, एक आपका क्वार्ट्ज फॉर्म में SiO2 और एक आपका सिलिका की फॉर्म में। तो अगर वो क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो क्रिस्टलाइन होगा। और अगर वो आपका सिलिका है दैट इज अमॉर्फस सॉलिड। ये आपने ध्यान रखना है, एक ही चीजों से बने हुए हैं SiO2 से, लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो आपका क्रिस्टलाइन है और जो आपका सिलिका है वो आपका अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, इससे पहले थोड़ा सा एक बार और इसके अंदर हमारा जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस था, चलो पहले उसको हम पहले आगे कर लेते हैं फिर देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके अंदर एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जो है एक सॉलिड फिगर, इनके अंदर डेफिनेट शेप होगा, फ्लैट फेसेस होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, इनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनके अंदर एटम का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी दूर तक इनके अरेंजमेंट जो होंगे एटम्स के वो रेगुलर होंगे, उनके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगी,
यानी चेंज नहीं होगा, एक फिक्स पैटर्न के अनुसार ही वो अरेंज होंगे, तो इनको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये अनाइसोट्रॉफी शो करते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे आइसोट्रॉफी और अनाइसोट्रॉफी, तो ये जो है दे शो अनाइसोट्रॉफी, यानी कि इनके अंदर जो है आइसोट्रॉफी शो नहीं होती है, ठीक है, अनाइसोट्रॉफी शो करते हैं। अनाइसोट्रॉफी का मतलब है, एन का मतलब हो गया डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे हमारा अमोर्फस जो था उसके अंदर जो थी एक तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, जबकि यहाँ पे जो है इररेगुलर है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम का और डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जो हमारे हम जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप के हैं, तो वो हमारे बेसिकली चार टाइप के हैं, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है। अब इनके दो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में आप सिर्फ अभी बेसिक ये चीज ध्यान रखो, क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है एटम का, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनके अंदर जो है अनाइसोट्रॉफी होती है, जबकि अमोर्फस जो होते हैं उनके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट है एटम का, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, उनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है और उनके अंदर आइसोट्रॉफी शो होती है, यानी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर वो सेम रहती है। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कितने तरह के हैं, एक होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, एक होता है मॉलिक्यूलर और एक होता है मेटालिक। अब आयनिक तो आपको पता है आयन्स होंगे, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, कटायन आपका मेटल से बनेगा और अनायन जो है आपका वो नॉन मेटल से बनेगा। कोवेलेंट आपके नॉन मेटल से कंपाउंड बनते हैं मेनली, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो और मेटालिक जिसमें सिर्फ आपका मेटल जो है वो प्रेजेंट हो। तो अब हम इनको आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। आयनिक क्रिस्टल जिसके अंदर आपका एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन हो, ठीक है, लैटिस पॉइंट पे अगर वो एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो वो आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। इनके जो है हार्ड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। देखो वैसे भी जो ज्यादा चीज हार्ड होगी ना वो ब्रिटल होती है, यानी वो टूट जल्दी जाती है, जो सॉफ्ट होगी ना वो जल्दी से नहीं टूटती, तो जितना सरफेस उसका हार्ड होगा उतना ही ब्रिटल होगा, वो जल्दी टूटेगा। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिक से देखिए इन सॉलिड स्टेट, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्योंकि आयन्स अलग हो जाएंगे तो उस टाइम पे ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो है सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर है लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। इनकी जो पैकिंग है वो डिपेंड करती है चार्ज कितना है और कटायन और अनायन का साइज कितना है। बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, ए बी टाइप जैसे NaCl है, या ए बी टू टाइप जैसे कि आपका मान लो इसी ए बी के अंदर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आ सकता है, जिसमें एक एटम कटायन का और एक अनायन का है, और ए बी टू टाइप के अंदर आपका वो एटम जैसे Na2O है, ठीक है, सॉरी वो Na2O इसमें नहीं आएगा, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट जो अनायन वाला पार्ट है, ठीक है, वो डबल हो और कटायन वाला पार्ट सिंगल, ठीक है, तो वो उसके अंदर एग्जांपल आएंगे। इन टाइप्स को भी हम आगे पढ़ेंगे, ए बी टाइप्स कौन से हैं, ए बी टू टाइप्स कौन से हैं, कुछ ए टू ओ टाइप भी होंगे या ए टू बी टाइप भी होंगे, तो वो चीजें हम आगे उनको डिस्कस करेंगे। आयनिक क्रिस्टल आपने सिर्फ यहाँ तक अभी तक करना है जिसमें एक कटायन हो एक अनायन हो, यानी दो अपोजिट चार्ज आयन्स हो वो हमेशा आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, एक मेटल का पार्ट होगा और एक आपका नॉन मेटल का पार्ट होगा। इनके अंदर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो है हमारा, ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल आपका चला गया वो NaCl का एग्जांपल था जिसमें Na एक मेटल है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, तो वो दोनों मिलके जो है आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके अंदर जैसे लेटेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, कोवेलेंट हमने आयनिक क्रिस्टल जैसे अब डिस्कस किया है, नेक्स्ट हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल्स, इसके अंदर जो लेटेस्ट पॉइंट है वो ऑक्यूपाइड करते हैं न्यूट्रल एटम, और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जैसे पिछले वाले में आयनिक बॉन्डिंग थी, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ये हार्ड सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिक वाले जो थे वो गुड कंडक्टर थे मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर थे, ये वाले पुअर कंडक्टर है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है, बट डायमंड है
वो बैड कंडक्टर है। तो कोवेलेंट जो हमारे क्रिस्टल्स हैं या नेटवर्क सॉलिड भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, तो ये हमारे जो है कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट है हमारे मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में आपका एक मेटल आयन जो है वो प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो मेटल आयन है उसके चारों ओर आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, मैलिएबल है यानी इनकी शीट्स बन सकती हैं, डक्टाइल है कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जो हमारी मेटल की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली वही इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं सराउंडेड बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है हार्ड होते हैं मेनली, और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो हमने अभी तक तीन पढ़े हैं, पहला आयनिक क्रिस्टल वो गुड कंडक्टर है मोल्टन स्टेट में, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड दीज आर बैड कंडक्टर, एंड मेटालिक क्रिस्टल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, बाकी के जो दो हैं वो मैलिएबल एंड डक्टाइल नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका मेटालिक क्रिस्टल हो गया, जैसे आपका कॉपर का क्रिस्टल है, मैग्नीशियम सोडियम का क्रिस्टल है, ठीक है, तो वो आपके क्रिस्टल हो गए मेटालिक क्रिस्टल जिसमें सिर्फ आपका मेटल आयन प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसके अंदर जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डेर वाल्स फोर्स है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा आयनिक, आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फिर हमने पढ़ा कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तीसरा हमने पढ़ा मेटालिक, मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसके अंदर, और चौथा हमारा मॉलिक्यूल क्रिस्टल है जिसके अंदर वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। ये बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं क्योंकि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारी वैन डेर वाल्स फोर्स, लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो गुड कंडक्टर आपका कौन सा आया था, गुड कंडक्टर आया था आपका मेटालिक। आयनिक वाला सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है लेकिन मोल्टन स्टेट में वो, सॉरी सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है लेकिन मोल्टन स्टेट में वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो इनको आप इजीली डिस्कस डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन अब इसमें हमें आगे और पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी जो है वो उसको भी हम आगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके अंदर हमारे ये जो है बेसिकली एक तो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीन तरह के हैं ये। नॉन पोलर यानी कि जो भी आपके सॉलिड है वो सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, या तो लिक्विड होंगे या गैस होंगे, वीक लंडन फोर्स या वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड या गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका जो हमारे नॉन पोलर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दैट इज अ नॉन पोलर, ठीक है, H2 है, O2 है, ये भी हमारे सारे नॉन पोलर आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन पोलर सॉलिड की। इसके अलावा हमारे कुछ है पोलर, जैसे HCl है, SO2 है, इनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यानी चार्ज का डिफरेंसेस है तो दोनों ही आपके नॉन मेटल्स, बट इनके अंदर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होता है ड्यू टू देयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके कारण इनके अंदर एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर जाता है। ये भी सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी के, मेल्टिंग पॉइंट इनका थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है। ये भी गैस और लिक्विड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका SO2, ठीक है। तो ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, HCl है, SO2 है, आपके नॉन पोलर में CO2 है, H2 है, ठीक है, O2 है, वो नॉन पोलर है, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल। तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज कम्पेयर टू वैन डेर वाल्स फोर्स, और ये भी नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ये वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल का मतलब है बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, अगर मान लो सॉलिड स्टेट के अंदर है या लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो इनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी नहीं है, बट वैन डेर वाल्स फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये हमारा जो था मॉलिक्यूलर सॉलिड थे, जिसमें हमने तीन पढ़े हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ
सॉलिड क्रिस्टल जो है, मेन डिफरेंस क्या है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के अंदर? सॉलिड को हमने डिवाइड किया क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में। अगर एटम का अरेंजमेंट रेगुलर है थ्री डायमेंशन के अंदर, दैट इज क्रिस्टलाइन, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, एन आइसोट्रॉफी है, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl का क्रिस्टल है, तो अगर आपका NaCl का क्रिस्टल है तो आपको पता है कि NaCl का जो क्रिस्टल होगा उसमें एक एटम आपका किसका होगा? Na का, और दूसरा एटम आपका किसका होगा? Cl का। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने लाइट पास की यहां से, तो पहले आपका एटम कौन सा आया? Na का। इसमें से जब लाइट पास होगी यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा। अब आगे जब ये लाइट गई तो आपका Cl का एटम आ गया, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये लाइट को अलग से किसी और डायरेक्शन में इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वो दोनों, क्योंकि एटम ही आपके चेंज हो रहे हैं, एक आपका Na का एटम है, एक आपका Cl का एटम है, तो यहाँ पे जो है दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी डिफर करेंगी। तो NaCl के अंदर जो है, क्योंकि आपका एटम चेंज हो रहा है, तो एटम चेंज होने के कारण जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो भी आपकी क्या होगी? चेंज होगी। इसीलिए ये क्या है? एन आइसोट्रॉपी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल इनका अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यानी इनके अंदर एटम का अरेंजमेंट दूर तक एक ही फिक्स पैटर्न के अंदर होगा, इसी को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऑर्डर इनका बहुत दूर तक एक जैसा ही मिलेगा, फिक्स पैटर्न मिलेगा। ये रिजिड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल कॉपर, ये आपका मेटेलिक क्रिस्टल हो गया, आपका KCl आयनिक क्रिस्टल हो गया, KNO3 भी आयनिक क्रिस्टल हो गया, और HCl जो है ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टलाइंस है जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज अनआइसोट्रॉपी, और क्रिस्टलाइन जो है वो अनआइसोट्रॉपिक होता है। फिर आते हैं अमोर्फस के ऊपर। तो अमोर्फस सॉलिड जो है, अमोर्फस सॉलिड जो है, इनके अंदर बेसिकली एक तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है एटम, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, आइसोट्रॉपिक है, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो आपका वुड है, ठीक है, या आपका जैसे कोई और सिलिका ऑक्साइड ही है, तो उसमें जैसे एक एटम है सिलिका ऑक्साइड का, एक यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड का दूसरा एटम है, अगर आप इसमें से लाइट पास करोगे ये भी सिलिका ऑक्साइड है, यहाँ पे लाइट पास करोगे तो वो भी सिलिका ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, Na जैसे था, यहाँ पे मान लो आपका Cl है, यहाँ पे Na के नीचे फिर Cl का क्रिस्टल आएगा, तो अगर मान लो लाइट आप ऊपर से पास करते हो तो पहले Na का एटम है फिर आपका Cl का एटम है, तो आपकी लाइट की जो स्पीड है वो डिफर करेगी। जबकि इसके अंदर आपका एक ही तरह के एटम्स हैं ये पूरे, तो इनके अंदर आपकी सेम लाइट रहेगी, यानी कि आपकी जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो सेम रहे। तो ये क्या है, ये आपके आइसोट्रॉपिक शो करेंगे, यानी सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरी बात एक और जो इनके अंदर अलग है, दैट इज दीज आर सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है नकली, नकली सॉलिड है ये, क्योंकि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो है ही नहीं, तो दीज आर सूडो सॉलिड। ये वाले जो है हमारे ट्रू सॉलिड थे, ठीक है, क्योंकि इनका एक जो है फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये आपके ट्रू सॉलिड थे, जबकि ये जो है आपके ये सूडो सॉलिड है, अनसिमेट्रिकल है, यानी इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। अगर मान लो कुछ दूरी तक इनके अंदर हो सकता है प्रॉपर्टीज आपको एटम के अरेंजमेंट थोड़ा सा दिखे कि रेगुलर है, बट लेकिन बहुत थोड़ी दूर तक ही होगा, बाद में इनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ये लेस रिजिड है। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल है सेलोफोन, यानी जो पॉलिथीन वगैरह होते हैं, आपका रबड़ है, प्लास्टिक है, तो इसके अलावा जितने भी आपके पॉलीमर्स हैं जिसके आगे भी आपका पॉली लग जाए, पॉलिथीन, ठीक है, वो जो है वो सारे आपके अमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता एटम का। ठीक है, अगर किसी के अंदर फिक्स एटम का अरेंजमेंट है तो वो क्रिस्टलाइन में आएगा, अगर उसका इररेगुलर अरेंजमेंट है तो वो अमोर्फस में आएगा। ग्लास है, ठीक है, रबड़ है, प्लास्टिक है, और जितने भी पॉलीमर्स हैं ये सारे आपके अमोर्फस में आएंगे। और क्रिस्टलाइन के अंदर जैसे आपके KCl है, कॉपर है, NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, ये सारे
जो जिनके अंदर भी रेगुलर एलिमेंट होगा वो आपके सॉलिड क्रिस्टल के अंदर आएंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है, उसका फिक्स शेप है, तो वो आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन के अंदर आएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, आज जो पढ़ा है, एक तो सबसे पहली बात सॉलिड क्या है, कितने टाइप्स के हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंसेस क्या है, क्रिस्टलाइन फिर कितने तरह के हैं, हमने पढ़ा है चार तरह के हैं, ठीक है, मेटालिक है, आयनिक है, कोवलेंट और चौथा, चौथा कौन सा है, सबसे पहला आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट या नेटवर्क जिसको कहते हैं, ठीक है, और एक आपका जो है जिसके अंदर आपके कोवलेंट और नेटवर्क, और चौथा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमने तीन अलग पढ़े हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद फिर अनआइसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है, जिनके एनआइसो का मतलब है डिफरेंट, ट्रॉपिक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और ये शो करते हैं क्रिस्टलाइन वाले। और दूसरा जो है हमारा वो है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक जो है सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, और ये वाले जो है वो हमारे शो करते हैं अमॉर्फस। ठीक है, तो ये अमॉर्फस के अंदर प्रेजेंट है और ये हमारा जो है क्रिस्टलाइन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि जो ग्लास है उसको हम सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, तो ग्लास को सूडो सॉलिड इसीलिए कहा है क्योंकि वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो, उसके बहने की एक क्षमता है। अगर आपने देखा होगा जो ओल्ड बिल्डिंग्स जो है उनके जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, उनमें से आर पार नहीं दिखता 10-12 साल के बाद, क्यों होता है कि दिन में हमारी धूप पड़ती है तो वो, क्योंकि सूडो सॉलिड नहीं है, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, तो पिघलना स्टार्ट करते हैं और वो फ्लो करके नीचे आ जाते हैं। तो फ्लो जब करेंगे तो एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट की जगह पर ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, यानी हमें आर पार ढंग से साफ दिखाई नहीं देता। तो ओल्ड बिल्डिंग जो है उनके जो ग्लास है वो ट्रांसलूसेंट क्यों है, वो ट्रांसलूसेंट इसीलिए है कि जो ग्लास है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो। दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है उस टाइम फ्लो करते हैं, रात को ठंड होती है फिर स्टॉप कर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं ओल्ड बिल्डिंग ग्लास जो है वो ट्रांसलूसेंट इसलिए है कि एक तो सबसे पहली बार ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है और ड्यू टू एनिलिंग वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। सूडो सॉलिड का वही रीजन आएगा कि वो एक चूंकि अमॉर्फस सॉलिड है इसीलिए उसका, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, इसीलिए हम उसको सॉलिड, सूडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ये मेन टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वो व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा समझा मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ही सीरियसली स्टडीज को लोगे, और लॉकडाउन पीरियड जैसे है फिर भी आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। थैंक यू।